Hope you're doing well. I'm in Bhar Dubai and I'm searching for houses. I've plotted some houses through Dubizel and all. We're also seeing the toilet board and we're just stopping there. So let's see where we land. When you start searching for home, also look how is the lobby, how is the lift, how many lifts are there, how many people are there in that particular floor. Is it occupied or is it vacant? Is there enough space to walk in the floor? All those things also matter. So once you start looking for room, look for these things as well. बालकनी का मतलब ऐसे कुछ खास व्यू नहीं है, सामने बिल्डिंग है। सामने वही ऐसा व्यू है, सामने बिल्डिंग है यार। रूम का कितना बोर है। कबर्ड भी काफी बढ़िया है। वॉशरूम भी मतलब एक है तो अपन जैसे सोचा था पहले। बेसन के ऊपर वाला ब्लू ग्लास कमर्शियल लग रहा है वाला। यहाँ पे नहीं लिखा है ना टूलेट, ये वाला बिल्डिंग था और वो एकदम लास्ट वाला सुपरमार्केट के पास वाला। यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर रेंट। मैंने बोला सिलेंडर क्या एक वॉशरूम है छोटा जिसमें से वॉशरूम अच्छा दोनों बाहर ही है वॉशरूम अंदर नहीं और इसमें बालकनी भी है। ये जो बिल्डिंग रहेगी इसमें एटलीस्ट बाहर का व्यू दिखेगा मुझे लगता है। लतीफा के ऑपोजिट वाला मतलब ये एक्सप्रेस सुपरमार्केट के ऑपोजिट वाला। सामने बिल्डिंग नहीं है इसके। हाँ रॉकी रियल स्टेट। हाँ यही वाला है बिल्डिंग फिर। ये
वाला बिल्डिंग अच्छा लग रहा है, टूलेट भी लिखा हुआ है उसमें, वहाँ पे चेक करते हैं एक बार कॉल करके। सही रे चलते हैं आगे से करके, वहाँ पे तीन बिल्डिंग्स थी उसमें भी देखते हैं टूलेट लिखा हुआ है। वी आर एक्चुअली सीइंग द बिल्डिंग्स जिसमें टूलेट लिखा हुआ हो, एंड इफ इट्स रिटन वी आर गिविंग अ कॉल एंड वी आर अरेंजिंग टू सी द बिल्डिंग। वी आर नियर अल्फाइदी and we are walking towards Manikur. किचन के बाहर का व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। और ये जो बालकनी है ना, ये मतलब काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है बालकनी। थोड़ा ऊपर तक एकदम ये वाला पार्ट, बट बालकनी इज लाइक क्वाइट बिग। ओके, फिर उसके बाद वॉशरूम भी ठीक है, वॉशरूम के अंदर है कि वॉशरूम मतलब थोड़ा है कि ऐसे डोर है, उसके पीछे से वॉश बेसिन है। फिर ये यहाँ पे इसका व्यू भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब सामने एकदम अजीब सी बिल्डिंग है। फिर यहाँ से ना एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ भी आती रहेगी, और यहाँ पे ये है तो कुछ ढंग का व्यू है ना यहाँ पे ऑल दो, बट बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी है। मतलब यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा है, यहाँ पे किचन है, बहुत बड़ा है किचन, रूम भी अच्छा बना है, वार्डरोब है, और यहाँ पे अंदर वॉशरूम है। तो अच्छा, मतलब बस एक ही प्रॉब्लम है बाहर में अंदर की, और बस स्कूल में कोई इशू नहीं है। ओपन किचन, वॉश बेसिन, वॉशरूम, ये रूम। बालकनी बहुत बढ़िया है।